एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये जो टॉपिक है, ये अभी जो टाइम चल रहा है ना कोविड का, इस टाइम पर इस टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 1.5 सालों से हम कहीं ना कहीं पूरे टाइम लॉकडाउन में रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम अगर डिपेंड रहे हैं किसी चीज़ पर तो वो है ऑनलाइन चीज़ें, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। आप देखें तो हर कोई ऑनलाइन चीज़ें देख रहा है, वेदर इट इज़ यूट्यूब, इंस्टा और या फिर वेब सीरीज़। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो ऑनलाइन वर्ल्ड में ही और डिजिटल वर्ल्ड में ही घूम रही है, और अर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप बन गया है डिजिटल मार्केट में। जैसे कि आप किसी बहुत ही फेमस यूट्यूबर को अगर देख लें, जो कि बहुत फेमस है, जिसके बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं एंड बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर अगर आप इंस्टा पे किसी इन्फ्लुएंसर को देख लें जो कि मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, तो उनके सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। या तो उन्हें खुद को पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे वीडियोज लोगों के सामने आएंगे, हम फेमस होंगे, या तो फिर उनकी एक पूरी टीम होगी जो कि उनका ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल करती होगी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर किसी बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, उसको थोड़ा भी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो आज की कंडीशन में वो कहीं भी बैठ के आराम से अर्न कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स प्रोग्राम, जो कि डिजिग्रेट प्रोवाइड करा रहा है। डिजिग्रेट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मार्केटिंग मास्टर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहा है, जहां पर आपको आपके मेंटर्स भी मिलेंगे, जहां पर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी। वो आपसे जानेंगे कि आखिर आपको किस फील्ड में जाना है, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, सारी चीजें पता करने के लिए उनके पास पूरी एक टीम है। तो जैसे ही आप उनको एनरोल करते हैं, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, तो आपके साथ में पूरी एक टीम काम करेगी जो कि आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। आपके कैरियर गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग करके, आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज बताने के लिए और आपको समझाने के लिए उनकी पूरी एक टीम है जो कि आपके साथ में काम करेगी। कोर्स के स्टार्टिंग में ही आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी और आपके मेंटर्स भी होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा और आपके जो मेंटर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स मिलेंगे, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो और ज्यादा इन्हांस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, और बहुत हद तक के आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व होंगी उन एक्टिविटीज और उन असाइनमेंट्स को करने से। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपको इंटर्नशिप के लिए एक लाइव प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा अराउंड 5000 से ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास अगर आप डिजिग्रेट से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो। और इसके अलावा 250 से ज़्यादा कंपनीज इनके साथ में एसोसिएटेड है, जो कि आपको डायरेक्टली हायर कर सकती हैं अगर आप वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का मास्टर्स कोर्स करते हैं। 25% एवरेज सैलरी हाइक होगी, 60% हाइएस्ट सैलरी हाइक होगी। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो जरूर ट्राई करिए इस मास्टर्स के कोर्स को। मैं नीचे लिंक दे दूंगी, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हर चीज डिजिटल मार्केटिंग पर ही डिपेंड करती है, तो बहुत ज्यादा बूम है। एंड आने वाले समय पर भी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसकी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज किसी को भी अगर किसी भी फील्ड में फेमस होना है तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो किसी को हायर करेंगे, चाहे आप अमेजोन ले लें, जो कि अमेजोन इतना फेमस कैसे हुआ, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको SEO की ज़रूरत पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसके लिए भी उनको ये जो SEO होता है ना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। तो अगर आपको SEO आता है तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से क्या क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा चलेगा, आप ज़्यादा फेमस होंगे, ज़्यादा लोगों को दिखेंगे। तो ये तो मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह ये चीज़ दिखेगी कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा बूम पर है, जॉब्स बहुत ज़्यादा, ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी सैलरी हाइक है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा भी नॉलेज है तो।
एंड हर जगह, और आने वाले समय पर तो इन चीज़ों पर और ज़्यादा डिपेंड करने वाले हैं लोग। तो अगर आपकी एज 18 प्लस है और इसके अलावा आपकी एज कुछ भी है, अगर आप 45 प्लस 50 हैं तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, बिकॉज इस जॉब के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एक सर्टेन एज लिमिट होगी कि सिर्फ इतने साल तक का ही बंदा चाहिए हमें हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपकी कुछ भी एज है और आप कुछ अच्छा कुछ नया करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। तो एक बार ट्राई करिए डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में अपना हाथ, कोर्स करिए और फिर आपको खुद को फील होगा कि आपने कुछ नया किया है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। एंड आने वाले समय पर यही चलने वाला है और इनफैक्ट अभी भी यही चल रहा है। यहाँ पर मेरा ये वीडियो अबाउट डिजिग्रेड डिजिटल मार्केटिंग मास्टर्स प्रोग्राम फिनिश हो रहा है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो मैंने नीचे लिंक दे दी है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं श्योर हूँ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।